नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज आप लोगों के एक लिए अभी तक की सबसे लेटेस्ट और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसमें भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिसमें चाइना के 59 ऐप्स को बैन किया गया है। हम आपको बता दें कि इसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत टोटल 59 चीनी ऐप्स को भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, और भारत सरकार ने इन चीनी ऐप्स पर आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया है। चीन के साथ साथ सीमा पर जारी इस गतिरोध के बीच बहुत बड़ा फैसला लिया गया है भारत सरकार द्वारा, और भारत में 59 चीनी ऐप्स को पर प्रतिबंध लगा दी गई है। और जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया उसमें से टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट आदि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। इनके अलावा और भी हेलो, लाइक, कैम स्कैनर, सीन क्वाई भी बैन कर दिया गया है, और बाइडू मैप, के वाई ड्यू, बैटरी स्कैनर भी बैन हो गया है। बता दें कि सरकार ने इन चीनी ऐप्स पर आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया है। और यह भी हम आपको बताना चाहेंगे कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हाल में ही हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही चीन और उसके प्रोजेक्ट समेत सभी ऐप्स को लेकर भारत सरकार के लोगों में बहुत ही गुस्सा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनने की लोगों से अपील की थी। और हालांकि चीन ने इन 59 ऐप पर प्रतिबंध का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कल दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की तीसरे दौर की बैठक लद्दाख के चुसूल में होने जा रही है। खास बात यह है कि ये मीटिंग इस बार भारत के बुलावे पर हो रही है, और इससे पहले दोनों मीटिंग चीन के आमंत्रण पर आयोजित की गई थी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि आपको ये जो डिसीजन लिया गया भारत सरकार द्वारा यह कैसा लगा। धन्यवाद।